हुआ है मेरे साथ, अमृता नाम सुन के मुझे लगा अमृता राव मिलेगी, अमृता अरोरा मिलेगी, अमृता ये मिली मुझे। यार पनीर पनीर बोल के मुझे थर्मोकोल का टुकड़ा चिपका दिया। ये आता माझी सटकली, अरे वो दो अमृता से तो मैं ही बेटर हूँ, मैं ये सुपर हिट शो कर रही हूँ तेरे तो। यार मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, इनकी बात करो ना यार। अरे इनकी क्या बात करूँ, ये सोनू सूद है, बहुत ही हैंडसम है, बहुत अच्छे एक्टर है, शाहरुख सलमान अमिताभ सबके साथ काम कर चुके हैं। हाँ यार शाहरुख सलमान और अमित जी बहुत ही शाने एक्टर है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कोई अच्छा एक्टर रखेंगे तो फिर हमको खा जाएंगे वो लोग, इसलिए सोनू को रख लिया। वैसे मोटा भाई मैं एक बात बताऊँ, मैं प्रभुदेवा सर की बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ यार क्या बढ़िया डांस करते, तू तक तूतिया का वो प्रोमो देखा है आपने? कौन सा वाला? इसमें ये वाला स्टेप करती है, ये वाला, ये वाला, यो ये ऐसे ऐसे। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, वो नेचर्स कॉल है ना। अच्छा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा आगे करके जाना पड़ता है क्योंकि टच हो जाएगा ना। क्या टच हो जाएगा? वो झाड़ी झाड़ी टच हो जाएगी, झाड़ी आगे पीछे। अरे सोनू सर, अब वैसे हमें पता है कि आपकी फिल्म में रेल गड्डी ये गाना है, लेकिन वो प्रूव करने के लिए ये टीटी को साथ लाने की क्या जरूरत है? ये टीटी नहीं है। तो कौन है ये? अरे ये द ग्रेट सिंगर हंसराज हंस के बेटे। अच्छा, पर है कौन ये? अरे ये दलेर मेहंदी के दामाद है। अच्छा, पर इनका नाम क्या है? अरे मिक्का सिंह इनका चाचा ससुर है। अबे यार इनका नाम क्या है? अरे जिंदगी में कुछ कर लेंगे तो नाम हो जाएगा। अरे हेलो एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं आप इतनी मत करो यार, क्योंकि पता क्या चक्कर है, मैं वैसा तो हूँ नहीं मिक्का भाई जैसे को बोलूंगा वो मैं जानू देख लूंगा, मैं एक्चुअल में आप लोगों को देखने वाला हूँ। चलो मैं गुजरात वापिस जाता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा छोटा सा इधर नहीं, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, इनके बारे में ये बहुत बड़ा आदमी है, इनके बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। तुझे पता है 10 करोड़ के चेक पे ये जब गलत साइन भी करते हैं ना तो भी बैंक वाले पास कर देते हैं। हाँ हाँ मोटा भाई, तो ठीक है ना, बैंक वालों को भी पता है कि हंसराज हंस के बेटे पढ़े लिखे नहीं है। ऐसा मत बोल तू यार, नवराज जी का जब शो होता है ना तो नाम लिखने से ही शो 10 करोड़ का हो जाता है। अरे लेकिन ये भी तो बताओ ना कि उनका नाम लिखने से पहले शो 20 करोड़ का होता है। देखो उनकी शो की बात नहीं करते हम, हाँ। ये शो की बात करते, ये शो तो अब 100 करोड़ का हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें हम दोनों जैसी जोड़ी आ गई है। तो इस माहौल थोड़ा गर्म होगा, तो गुजराती तड़का और मराठी तड़का एक साथ। यस, अब होगा मिसल में ढोकला। ये कुछ बैठा नहीं, जो बैठा है उसको बुला लेते। कैसा लगा हमारा शो का नजर बटू सोनू? बहुत बहुत कमाल मनन, इतना कमाल का गंदा एक्ट किया ना तुमने। नहीं जेन्युइनली बहुत बहुत अच्छा मैंने रिएक्शन दिया। और अमृता आप यू आर ब्रिलियंट, आई थिंक थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू। मेरी रिएक्शन ले लिया, मैं झूठ बोल रहा हूँ, बिल्कुल झूठ बोल रहा हूँ। नवराज एक्ट बहुत कमाल का था, बहुत मजा आया मुझे, बाकी बाहर करेंगे बात है ना। मेरे लिए सिक्योरिटी नहीं है, जब आदमी खुद वॉचमैन जैसे दिखता है उसको सिक्योरिटी क्या दे। प्रभु सर कैसा लगा आपको? फॉर द फर्स्ट टाइम वेरी गुड। ओके देन मान लेते हैं यार, चलो अब तालियां बजा दो इनके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और ये बेटी ये कौन होस्ट लेकर आए यार हम लोग आगे हैं। अरे कैसी होस्टिंग कर रही है यार? बहुत अच्छी कर रही हूँ कंटेस्टेंट। मुझे बात बताओ, यहाँ पर डांस के देवता बैठे हुए हैं, इनको कब से बिठा के रखा हुआ है? कोई नाच गाना होना चाहिए, जब मैं होस्ट था यहाँ पे कितना नाच गाना होता था है ना, पिक्चर का सुपर हिट गाना है, प्रभु सर यहाँ बिठाया हुआ है उनको। वेरी गुड, आई लाइक वेरी मच। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? यस सर, मजा आ गया। और सबसे ज्यादा ये देखने में मजा आ गया कि प्रभु सर आपने पंजाबी लाइन नाइन की। हर्जा सोनी है सर, रेल गड्डी आई, ओह माय गॉड, मैं आप पे और फिदा हो गई हूं। लेकिन प्रभु सा ये तो थी कृष्णा की रिक्वेस्ट, जो एक ब्लडी कंटेस्टेंट है, क्योंकि मैं सीजन 2 की होस्ट हूँ, प्लीज मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए डांस कर लीजिए, प्लीज सर, प्लीज मेरे लिए सर, प्लीज प्लीज। एक
वाली सीट पे। थैंक यू सो मच, मजा आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, बुलाते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट्स को जो अभी यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। हमारे शो में दो की जोड़ी भारी पड़ती है, फिर ये तो तीन है यार, देखिए तीनों मिलके क्या तड़का लगाते हैं। स्वागत कीजिए बलराज, निया और शरद का। नवराज भाई कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आप नवराज भाई यहाँ बैठे हुए थे प्रभु सर के साथ, एक पंजाबी एक साउथ इंडियन, ऐसा लग रहा था किसी ने साग में इडली फेंक दी हो। बट सोनू भाजी आप बहुत बढ़िया इंसान है, सोनू भाजी कभी अपने सर पे किसी का कर्जा नहीं रखते। नवराज भाजी ने क्रिकेट की टीम खरीदी, सोनू भाजी को कप्तान बना दिया, इन्होंने फिल्म बनाई उसको गाना दिला दिया। जी मैंने इंडस्ट्री में आपसे ईमानदार आदमी नहीं देखा। इनको किसी ने पूछा कि सोनू जी आप साउथ में स्टार कैसे बन गए, कहते उधर कोई पहचानता नहीं ना, काम मिल जाता है। आपको अपनी इंट्रो दे देता हूं भाजी मैं। सब लोग मुझे यहां पे किंग ऑफ ऑडिशन के नाम से जानते हैं भाजी। मैंने अपनी जिंदगी में इतने ऑडिशन दिए, अगर मेरे ऑडिशन की टेप चला दो ना 250 एपिसोड का डेली शो बन जाता है भाजी। भाजी आज यहाँ मैं पहली बार परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरे साथ में है कोई? हाय एवरीवन, हाय 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 एवरीवन, हाय हाय भाई साहब, ये मुंह से टॉफी निकालो और अपना नाम बताओ। मैं टीवी का बहुत बड़ा स्टार हूँ, नाम है शरद। शरद? हाँ बड़ा मनूस नाम है भाई ये। अबे 1.5 साल से ज्यादा किसी शरद का करियर चलता नहीं है, चाहे वो शरद कपूर हो चाहे शरद केलकर। मैं ना ही कपूर हूँ और ना ही केलकर, मैं हूँ शरद मल्होत्रा। अबे यहाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा की बाट लगी पड़ी, तू तो फिर उसकी फर्स्ट कॉपी है। बकवास मत कर, ये छोड़, हमारे बीच में नवराज जी आए हैं। पाजी आपको भी गालियां नहीं पड़ी? अबे गालियां उसको पड़ती हैं जिससे कोई उम्मीद होती है। नवराज पाजी के पास 2 करोड़ की गाड़ी, नवराज पाजी के पास 2 करोड़ की गाड़ी, चापलूसी स्टार्ट। नवराज पाजी के पास 5 करोड़ का पापा भी है, 5 करोड़ का पापा भी है, 5 करोड़ का पापा भी है। करोड़ तो ठीक बोले तभी नहीं आते तेरे पास। करोड़ 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 उस पगला ही रहेगा, बंदा नया है, चांस दे यार ठंड रख। मैंने कौन सा 4 ग्रैमी जीत लिए, मैं भी नया ही हूँ। भाई नए पुराने से होता है, कुछ बंदे में टैलेंट होना चाहिए यार। अब आप देखो कितने पुराने हो इंडस्ट्री में। नहीं है टैलेंट, कर ही रहे हो काम। ऐसे ही एक बात बताओ, पाजी को कभी फिल्म फेयर अवार्ड क्यों नहीं मिला? यार पाजी को ना मिला था फिल्म फेयर अवार्ड, फिर पाजी ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? वो पाजी कहते ट्रॉफी के डोले छोटे। अब इनको कौन समझाए, पाजी वो औरत है उसके छोटे ही डोले। तीसरा बंदा कहाँ है हमारा? What? No, don't say that. No, I said no. What the beep is this? What? You will beep me? You know what? Beep you. सोनू भाई जैसी इस लड़की की हरकतें हैं ना, इसने बीप 22 एपिसोड से ज्यादा नहीं चलना। पाजी ये तो 3 दिन सोच कर आई थी। ऐसे है कौन ये? है कौन? Excuse me? तुम लोग मुझे नहीं जानते हो? नहीं। My name is Nia. Hello. Nia. जितना छोटा नाम उतना छोटा करियर। ये क्या है, 1 मिनट इधर तो आ। पाजी दुनिया की पहली ऐसी लड़की जिसने तुन्नी को ताला लगाया हुआ है। ये मतलब क्या खुल जाती है? देखो इसको यहाँ तो कान पे लगाओ, यहाँ कान को यहाँ लगाओ। फैशन? I'm so sorry. मैं भी ऐसे इंसान से फैशन के बारे में बात कर रही हूँ जिसका मुंह ही कच्चे जैसा। फसा दिया मुझे इन चीपस्टर्स के बीच में। चीपस्टर? गर्मियों में हो जाती मेरे को, फिर मम्मी पाउडर डालती है। यार एक सेकंड, हम यहाँ लड़ने आए हैं? नहीं, हम एक्ट करने आए हैं। वेरी गुड, सो हमें यहाँ पे अपनी जगह बनानी है। मेरा एजेंडा तो बिल्कुल क्लियर है बॉस, मुझे लेनी है भारती की जगह। भारती की जगह? पाजी औकात से ज्यादा बोल रही है, खरगोश जितना साइज है भैंस के तबेले की जगह ढूंढ रही है। भाजी यकीन मानो जितना इसका वेट है ना उतना भारती सुबह फ्लश कर दी। नहीं 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 नहीं। देखो अपना एजेंडा
तो साफ है भाई, पंजाबी आदमी की पीठ में छुरा घोपेगा। मैं तो लैरी साहब की जगह लूंगा। जगह लोगे क्या, जगह तो ले ली है तुमने, कृष्णा जैसा टैलेंटेड पार्टनर जो मिल गया तुम्हें। तुम यस एम आई नॉट टैलेंटेड कृष्णा? कृष्णा मैं भरूंगा, मतलब तेरी कश्मीरा पे नजर है। पागल हो गया तू, पागल हो गया। आदमी कितना ही भूखा हो कीचड़ नहीं खाता। Hi Sonu, what's up? Well, you know what? I should say, आपकी बॉडी मुझे बहुत पसंद है। इसे दबंग में सलमान खान से ज्यादा आपकी बॉडी दिख रही थी। थैंक यू सो मच। आपको पता है ये बात सलमान भाई को पता लगी, इसलिए दबंग तुम्हें लिया ही नहीं।